झांसी में जिले के अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से 1,60,00,000 रुपए का लोन निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन जिले के अधिकारी को फर्जी हस्ताक्षर की भनक लगी तो उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन अब मामले को रफा दफा करने के भी प्रयास शुरू हो गए हैं। पूरा मामला झांसी के खाद विभाग से जुड़ा हुआ है। यह बात तब सामने आई जब हमारे संवाददाता को कुछ ऐसे प्रपत्र हाथ लगे जिसमें कैनरा बैंक से 1,60,00,000 रुपए के लोन लेने के लिए उन्हें तैयार किया गया था। हमारे संवाददाता ने संबंधित विभाग के लोगों से जानकारी ली तो मामले में घोलमेल नजर आया। इसके बाद हमने बात की कलेक्ट्रेट में तैनात खाद एवं औषधि विभाग में तैनात अधिकारी से, जिन्होंने बताया कि विभाग में ही तैनात उपमा यादव, जो टैरोली के औषधि विभाग में तैनात हैं, उनके पति का तहसील मऊरानीपुर ग्राम रेबन में एक महाविद्यालय भी है और इन्हीं महाशय के नाम पर लोन फाइल किया जा रहा था, जिसमें खाद विभाग की अधिकारी उपमा यादव अपने पति के लोन के आवेदन में गारंटर बनी थी। इस लोन का आवेदन उन्होंने झांसी के एलाइट सिपरी मार्ग पर स्थित कैनरा बैंक में किया था। लोन में 1,60,00,000 रुपए की रकम भरी गई थी। उपमा यादव स्वयं को गारंटर के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन विभाग द्वारा जो पत्र जारी किया गया था वह पूर्ण रूपेण फर्जी था। इस पत्र में गारंटर बनने हेतु उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में कार्यरत बाबू योगेंद्र यादव के साथ मिलकर चीफ मैनेजर कैनरा बैंक को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग झांसी उत्तर प्रदेश के नाम से कूट रचित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पत्र पर अधिकारी के जाली सिग्नेचर भी थे, जिसकी शिकायत जिले के अभिहित अधिकारी चितरंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार में पत्राचार के माध्यम से की है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। खाद्य सुरक्षा अधिक प्रशासन विभाग में है, मैं अभिहित अधिकारी सह सहायक आयुक्त खाद्य 2 के पद पर कार्यरत। आपके विभाग में उपमा यादव द्वारा एक लोन लिया गया है और आपके विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया, क्या है ये मामला पूरा? हमारे विभाग द्वारा उपमा यादव के लोन के संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। उस पे साइन वेरिफिकेशन लेटर पे साइन भी है? हाँ नहीं है, वो साइन फर्जी है। फर्जी है जी। लेकिन अब इस पूरे मामले को दबाने का भी भरकस प्रयास किया जा रहा है। हमने इस संबंध में कैनरा बैंक के मैनेजर विनोद पाटीदार से जानकारी चाही तो उन्होंने बिना कैमरे के सामने आए बताया कि उनके पास लोन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन दिए गए दस्तावेजों से वह संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने लोन को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे पास वह प्रपत्र और विभाग के अधिकारी की बात है जिसके आधार पर हम इस खबर को प्रसारित कर रहे हैं। पद का दुरुपयोग करते हुए घोटाला करने का प्रयास विभाग के कर्मचारी द्वारा किया गया है, इस बात से उपमा यादव मुंह फेर रही हैं। हो सकता है कि मामला कुछ और हो, लेकिन विभाग के साथ प्रशासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच अवश्य करनी चाहिए, जिससे कम से कम मामले का सच सामने आ सके। फिलहाल जिले के कुछ अधिकारी जांच की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ अधिकारी इस जांच में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा पा रहे। क्या जाँच निष्पक्ष होगी और क्या कार्रवाई होगी, फिलहाल यह भविष्य के गर्त में है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।